नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश। आप देख रहे हैं फ्री में सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल के इफ़ेक्ट के बारे में। आप उसके अंदर कैसे जो है फ़ोटो डाल सकते हैं। एक्चुअली मैंने इस बारे में वीडियो कई सारी पहले बना रखी है, लेकिन फिर भी लोग कमेंट्स करते रहते हैं। मैं कह कह के थक गया हूँ कि आप पुरानी वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन कुछ लोग देख लेते हैं कुछ नहीं देखते। तो इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो और बना देता हूँ इस बारे में, क्योंकि इस टॉपिक पर ज़्यादा ही कमेंट्स आते रहते हैं दिल के अंदर कैसे आप अपना फ़ोटो डाल सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी बारे में बात करेंगे और सीख लेते हैं कैसे आप ये अप्लाई करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। तो फाइनली आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज हम बात करेंगे। देखिए एक कमेंट्स मेरे पास अधिकतर आता रहता है, जो लोग कमेंट्स कर देते हैं। मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं एक्चुअली, उन वीडियो में मैंने क्या क्या है कुछ शार्पेस बना के दिखाए हैं, और उस शार्पेस में मैंने जो है दिल बनाया है और दिल के अंदर फ़ोटो डाला है। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते किस तरह से डाला है। हालांकि मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, बट लोग फिर भी नहीं समझ पाते या कुछ जो भी प्रॉब्लम हो। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि उस दिल के अंदर कैसे आप फ़ोटो को डाल सकते हैं, कैसे आप उसके फ़ोटो के अंदर दिल के अंदर फ़ोटो डालेंगे। देखिएगा मैंने ये कुछ एक तो इस तरह की वीडियो बनाई है कि आप इस तरह की सांप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सांप बनाने के बाद अधिकतर जो लोग कमेंट्स करते हैं कि दिल के अंदर फ़ोटो कैसे डाल सकते हैं, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे और ठीक से समझेंगे। तो प्लीज़ यार गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने फ़ोटोशॉप पर। और हाँ, एक नई बात इस वीडियो में ये है कि मैं इस वीडियो में CS3 का यूज़ करूँगा अब से। फ़ोटोशॉप CS3 पे ही हम काम करेंगे। तो चलिए अपने CS3 ऑन कर लेते हैं। तो फ़ोटोशॉप CS3 ओपन हो रहा है और यहाँ पर थोड़ा सा समय ले रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं फ़ोटोशॉप CS3 ऑन हो गई है। ठीक है, तो अभी हम पहले इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले एक हम नई फाइल ले लेंगे। ठीक है, कंट्रोल एन करके ले सकते हैं या फिर यहाँ से न्यू पे जाके यहाँ पे साइज लेके उसका इस तरह से आप कोई भी साइज रख लीजिए जो आपकी मर्जी हो। और मैं 12:18 ले लेता हूँ। और साइज़ लेने के बाद देखिएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक साइज़ आ गया 12:18 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम एक शार्प बनाएंगे। एग्जांपल फॉर शार्प बनाने के लिए देखिए यू दबाता हूँ मैं और यहाँ से अब देख सकते हैं कि यहाँ पर आ गए हम इन शार्प में। और यहाँ पर ये हमारे पास दिल है, तो इसको दिल को जो है हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। यू दबा करके ये ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये शार्प के जो है यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, स्पेशल वीडियो देख लीजिएगा इसकी, तो आप समझ पाएंगे कैसे बना सकते हैं शार्प। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप फोटो डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए ड्रैग करके एक दिल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा ऑल्ट कंट्रोल एंटर कंट्रोल जे सॉरी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके कंट्रोल जे। ठीक है, तो शार्प वन हमने सेलेक्ट कर रखी है। अगर आप चाहें तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वो यहाँ से आप जब जैसे अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए शार्प का कलर तो चेंज ऐसे होता नहीं है। शार्प वन सेलेक्ट करें कंट्रोल यू कर कैसे नहीं होता। अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो देखिए यू दबाइएगा, यहाँ से पहले आप कलर चूज़ कर लीजिएगा जो भी आपको कलर चाहिए, उसके बाद आप शार्पेस बनाएंगे या शार्प बनाएंगे। ठीक है, कंट्रोल एंटर कंट्रोल जे। ठीक है, बैकग्राउंड सेलेक्ट करके कंट्रोल जे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लेयर यहाँ पे इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दिल है। ठीक है, अब हम इस दिल के अंदर जो है एक फ़ोटो डालेंगे, कैसे डालेंगे इस यही इस वीडियो का टॉपिक है। तो हम कोई फ़ोटो ले आते हैं देखिएगा फोटोशॉप में, तो मैं यहाँ से कुछ फ़ोटो ले आता हूँ। सॉरी गला थोड़ा सा परेशान कर रहा है, अनिल पोट।
ठीक है। अब देखिए मेरे पास फ़ोटो हैं, ये ज़रूरी नहीं मैं यही फ़ोटो यूज़ करूँ, मैं इसको भी लगा सकता हूँ। देखिए ये हम इस फ़ोटो को उठाकर ले आए, यहाँ पर लाके छोड़ दिया हमने, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे इस फ़ोटो को देखिएगा, ये थोड़ा मुझे सही नहीं लग रहा था, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, वैसे फ़ोटो अच्छा है बट यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा। तो कोई भी फ़ोटो हो, जैसे कि हम फ़ोटो उठा लाएंगे, देखिए फ़ोटो उठा लाए हमें फ़ोटोशॉप में। अब फ़ोटो उठाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटो कॉपी कर लिया हमने। अब शार्प बन को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा, ठीक है। कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट, फ़ोटो को पेस्ट करूँगा मैं कंट्रोल वी करके। तो ये देखिएगा मैं यहाँ पर मैंने ये कंट्रोल वी किया और फ़ोटो आ गया है यहाँ पर। अब फोटो जो आया है, हम इस फोटो को इस दिल के अंदर कैसे डालेंगे, मेन टॉपिक यही है, ठीक है। तो वो कैसे डालेंगे देखिएगा, ये आप इस फोटो को सेलेक्ट करके, आपने पहले फ्रेम सेलेक्ट कर रखा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओल्ड कंट्रोल, सबसे पहले ओल्ड दबाना है, उसके बाद कंट्रोल दबाना है, उसके बाद जी दबाना है, ठीक है। ये बात मैंने बहुत दफ़ा बताई है, बहुत बार बताई है, लोग फिर भी समझ नहीं पाते, लेकिन मैं इस वीडियो में स्पेशल बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिएगा ये फ़ोटो के अंदर, इसके फ्रेम के अंदर पहुँच गया फ़ोटो ये, ठीक है। तो कोई इसमें मुश्किल नहीं है, बस लोग ध्यान से देखते नहीं हैं शायद, तभी नहीं समझ पाते, इसके अंदर पहुँच गया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से कंट्रोल टी करके ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, किस तरह से रखना चाहते हैं, वो आप अपने मन मुताबिक रख लीजिएगा। तो मैंने फाइनली आपको बता दिया है कि आप जो है कैसे इसके अंदर दिल के अंदर फ़ोटो डाल सकते हैं। देखिए डाल दिया हमने फ़ोटो, अब आप अपने मन मुताबिक जैसे भी आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, कटिंग करके डाल सकते हैं, जिस तरह से भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, और आप अपनी डिज़ाइनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ यार लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना हमारे इस चैनल को। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।